देखो सब तो पहले तो मैं कहांगी कि इस वेले तो लोगों दी भावनावां जड़ियां ने वो भड़की दियां ने, क्योंकि ये जो पुलवामा कांड होया लोगों की सोच है कि सानू कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेना चाहिए भारत की सरकार नू। पहले भी दीनानगर एक आतंकी हमला जड़ा है वह झेल चुके, सो असी उहदा भी कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हुण क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और गडकरी जी ने बयान दिता है कि जिहड़े पाकिस्तान च किसान ने वो साढ़े इस पानी के नाल उन्हां नू फायदा हुंदा है, तो असी कम से कम एक काम तो करिए कि जिवें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बयान आया कि असी ये पानी जड़ाया इनू बंद करके अपने किसानों नू जिहड़े कि पानी की किल्लत के नाल जूझ रहे हैं उन्हां नू फायदा होवे, ताकि ये पानी पाकिस्तान नू ना जाके अपने ही किसानों नू जड़ा उधर मुड़कता जाए, क्योंकि इत्थे डैम बनाया जाए और इसका इलाके नू मेरे ख्याल च 100 तो वध पिंडां नू इहदा फायदा होएगा और 6 कस्बे ने जिन्हां नू इस चीज़ का फायदा होएगा इस प्रोजेक्ट के नाल, और जो स्वच्छ पानी पीन का पानी भी ये लोगों को मुहैया हो सकता है। प्रपोजल है हमारी, क्योंकि गडकरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी ही थी कुछ दिन पहले को पाकिस्तान को जो पानी जाता है उसको हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, तो हमारी प्रपोजल तो पहले ही तैयार थी। हम चाहते हैं इधर मकौड़ा पे एक डैम बन जाए, बंद बन जाए, तो जो पानी उधर जाता था उसको हम रोक सकें। इसलिए अज इत्थे आए हैं, वेखण भी आए हैं और मैं गडकरी साहब नूं मिल भी रहा हाँ 27 तरीक नूं, उन्हां नूं प्रपोजल भी दऊंगा। साडी जो स्थिति है इस वेले पंजाब दी एड्डी वधिया नहीं है आर्थिक स्थिति, फंडस जे सानूं दे दिंदे ते काम असीं जल्दी शुरू कर दें। तो ये डैम और नहर दोवां चीज़ां दा कोई 400 करोड़ दा साडा एस्टीमेट है, उहदे नाल इक ते इरीगेट होणा जमीन नूं, 100 तकरीबन पिंड ने और जे दो डिस्ट्रीब्यूटर कलानौर और रमदास में जो पानी जो 6 महीने अगे उन्होंने मिलता ही वो 12 महीने मिले करेगा, और दूसरा पीने वाला पानी जोड़ा इन पिंडा और जो कस्बे उन्होंने भी मिलेगा। ਬਾਈ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ 1500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪੱਤੀ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਡੈਮ